हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज हम सी टेट एग्जाम को ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक हाथी के बारे में चर्चा करेंगे और हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा झाड़ियाँ और पत्ते खा लेता है। बड़ा हाथी मतलब एक वयस्क हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा झाड़ियाँ और पत्ते खा लेता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, लगभग 2 क्विंटल का होता है हाथी का 3 महीने का बच्चा। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। जो कीचड़ होता है हाथी उसे अपने शरीर पर लगा लेते हैं, जिससे उन्हें ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करती है। झुंड में हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं और फिर झुंड छोड़ देते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है, क्योंकि हाथी तो 14-15 साल बाद झुंड को छोड़ देते हैं, तो जो झुंड का नेतृत्व है वो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी करती है और पूरे झुंड को संभालते हैं। ये हाथी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनसे सी टेट एग्जाम में अक्सर ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।